नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल ने वलसाड़ पुलिस थाने के पीआई को कहा, मैं बोलूं तो अभी होगा हुल्लड़। तिथल के आहिर ग्रुप के गणपति की मूर्ति ले जाते वक्त नाचते वक्त पुलिस कर्मी को धक्का लगने के बाद विवाद हुआ था खड़ा। भरूच और बड़ौदा में मिली बड़ी मात्रा में ड्रग्स को लेकर वलसाड़ जिला पुलिस हुई सतर्क। वलसाड़ पाडी वापिस सरीगांव और उमरगांव की बंद फैक्ट्रियों में शुरू की गई जांच। पार्टी के केजीएन बेकरी में काम करने वाला कामदार चोरी की बाइक के साथ चिकली में हुआ गिरफ्तार। कुछ दिन पहले पार्टी अस्पताल में दाखिल एक परिजन को मिलने आए शख्स की बाइक हुई थी चोरी। अब समाचार विस्तार से। मैं चाहूं तो अभी हुल्लड़ हो, वलसाड़ के विधायक ने सिटी पीआई को खुलेआम उग्र होकर ऐसा विवादित निवेदन देते घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते फैली सनसनी। मैं चाहूं तो अभी हुल्लड़ हो सकती है, ऐसा वाक्य वलसाड़ की विधायक ने सिटी पीआई को सरेआम उग्र होकर विवादित निवेदन देते सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही सनसनी फैली हुई है। आज ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई आज ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई। वलसाड़ के तिथल मार्ग पर लोहाना समाज के हॉल के सामने तिथल मार्ग पर आहिर ग्रुप के गणेश मंडल के कार्यकरों और पुलिस जवानों के बीच डीजे में नृत्य करने के मुसद्दे पर पुलिस जवानों को धक्का लगने से घर्षण हुआ था। घटना की जानकारी विधायक को मिलते विधायक ने सिटी पीआई दीपक डोल और पुलिस जवानों के सामने विवादित निवेदन देते हुए बताया कि ताजिया के जुलूस में डीजे बजा, कुछ नहीं बोले। अब गणेश पर्व में डीजे को रोका जाए तो वो नहीं चलेगा। मैं चाहूं तो अभी हुल्लड़ हो सकता है, ऐसा वाक्य बोलते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। आज वो ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई आज वो ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई, जिसको लेकर वलसाड़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। वलसाड़ के तिथल मार्ग के आहिर ग्रुप के श्रीजी मंडल में ढोल नगारों के साथ आगमन होते मंडल के सभ्यों में उत्साह देखने को मिला था। आहिर ग्रुप गणेश मंडल द्वारा शहर में डीजे और नासिक ढोल के साथ प्रतिमा को लेकर आ रहे थे। शहर में आते 10 बज गया हो, वलसाड़ सिटी पीआई ने डीजे बंद करवाया था। कोरोना महामारी के 2 साल बाद गणेश भक्तों में उल्लास दिखाई दिया था। श्रीजी की प्रतिमा को लाने के लिए उत्सुक कार्यकरों में नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद लोहाना समाज हॉल के पास गणेश मंडल के कार्यकरों और पुलिस के बीच डीजे में नृत्य के मुसद्दे पर घर्षण हुआ था, जिसमें पुलिस जवानों को धक्का लग जाने से डीजे बंद करवाया गया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें वलसाड़ के विधायक ने पीआई दीपक टोल और पुलिस जवानों को सरेआम बताया था कि मैं चाहूं तो अभी शहर में हुल्लड़ हो सकती है, ऐसा बताते सभी बीजेपी के अग्रणियों ने विधायक को शांत करने का प्रयास किया था। आज वो ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई आज वो ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई। साथ ही प्रदेश लघुमति मोर्चा के महामंत्री सहित बीजेपी के अग्रणियों के साथ की उपस्थिति में मामला गरमाया था। समग्र घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते समग्र क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों के मुख से यह भी चर्चा उठ रही थी कि लोगों को परेशानियां न हो, इसके लिए कानूनी तौर पर ट्रैफिक नियमन का पालन बना रहे वो आवश्यक है। विधायक के निवेदन के बाद जैसे पुलिस की तो कोई अहमियत ही नहीं रही हो, ऐसा दृश्यमान होते भाजपा के ही शासन में कानून पर ही ऐसे सवाल खड़े होते। फिलहाल तो घटना का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आज वो ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई आज वो ऊंचो केम ने तो हमने हुल्लड़ थाई हुल्लड़ बोल से हुल्लड़ थाई। आप
बड़ौदा में एक बंद कंपनी में करोड़ों का ड्रग्स का जत्था मिलने के बाद वलसाड़ पुलिस हुई सतर्क। पुलिस द्वारा जिले के सभी जीआईडीसीओ में बंद हुई कंपनियों में सर्च ऑपरेशन किया गया शुरू। वलसाड़ जिले में आई 5 जीआईडीसीओ में आई हुई कंपनियों में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। बड़ौदा में एक बंद कंपनी में करोड़ों का ड्रग्स का जत्था मिलने के बाद पुलिस ने अलर्ट होकर वलसाड़ जिले में पिछले 2 दिनों से 5 जीआईडीसीओ में आई हुई बंद कंपनियों में जांच शुरू की है। जिला पुलिस द्वारा वलसाड़ रूरल पुलिस की सीमा क्षेत्र में आई कुल्लव जीआईडीसी में, पार्टी पुलिस द्वारा पार्टी जीआईडीसी में और वापी जीआईडीसी द्वारा वापी जीआईडीसी में, बिलार जीआईडीसी में आई हुई बंद कंपनियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। वलसाड़ जिले में 38 से ज्यादा कंपनियों में सर्च ऑपरेशन किया गया था। पीआई सहित पुलिस के काफिले के साथ नोटिफाइड अधिकारियों को साथ में रखकर जीआईडीसीओ में आई हुई बंद कंपनियों में सर्च ऑपरेशन किया गया था। पार्टी केजीएन बेकरी में काम करने वाला शख्स बाइक की चोरी कर नंबर प्लेट निकालकर घूम रहा हो। आरोपी को चिखली पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ धर दबोचा। पार्टी शहर में हाईवे स्थित आई हुई कुरेसी अस्पताल में 11 फरवरी के रोज कपराड़ा मातुनिया में रहने वाले जिग्नेश जानूभाई बर्फ अपनी यूनिकॉर्न बाइक नंबर GJ15 DC9117 लेकर अपने भाई अस्पताल में भर्ती हो मिलने के लिए आए हुए थे। उस दौरान उन्होंने बाइक अस्पताल के पार्किंग में पार्क की थी। उस दौरान कोई चोर शख्स डुप्लीकेट चाबी बनाकर लॉक को तोड़कर बाइक चोरी कर फरार हुआ था। उस दौरान 20 अगस्त 2022 के रोज नवसारी के चिखली पुलिस कॉलेज सर्कल के पास जांच में जुटी थी। उस दौरान बगैर नंबर प्लेट की बाइक पर घूम रहे अरुण श्रीपाल लक्ष्मण चौधरी निवासी चिखली खुंद आजाद नगर मूल निवासी यूपी को पकड़ा गया था। उस समय बाइक के आवश्यक दस्तावेज के मांग करने पर श्रीपाल अरुण पेश नहीं करने पर पुलिस ने सख्त पूछताछ करते पार्टी कुरेसी अस्पताल से बाइक चोरी की होने का कबूल किया था, जिसको लेकर पार्टी पुलिस आरोपी को चिखली से लेकर आ गई थी और कार्यवाही शुरू की थी। जो कि पुलिस जांच में पकड़ा गया आरोपी पहले भी पार्टी केजीएन बेकरी में नौकरी करता था, तब पार्टी अस्पताल से बाइक चोरी करके फरार हुआ था और फिलहाल चिखली की केजीएन बेकरी में नौकरी करता हो बगैर नंबर प्लेट की चोरी की बाइक पर घूम रहा था। फिलहाल तो इस केस की जांच जमादार रविंद्र भाई ने शुरू की है। राजस्थान के जालौर जिले में एक गांव में 9 साल के दलित बच्चे की शिक्षक द्वारा की गई पिटाई के चलते बच्चे की हुई मौत को लेकर दमन एसटी और एससी समाज द्वारा दमन समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर देश के राष्ट्रपति को आवेदन पत्र भेजने के लिए की गई विनती। राजस्थान के जालौर जिले के एक गांव में एक दलित बच्चे को शिक्षक द्वारा की गई पिटाई के चलते
बच्चे की मृत्यु हुई थी उसी के अनुसंधान में संघ प्रदेश दमन में एसटी और एससी समाज द्वारा दमन फुटबॉल ग्राउंड मोटी दमन से पद यात्रा करके दमन समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर देश के राष्ट्रपति को आवेदन पत्र भेजा गया था, जिसमें आदिवासी समाज के अग्रणियों भाविक हड़पति, धीरूभाई तोड़ी, विष्णुभाई हड़पति, दिनेश भाई तोड़ी, रहुभाई वारली और महियावंशी समाज के अग्रणियों अनिलभाई महियावंशी, मुकेश गौस्वामी, संतोष कालेकर, रितेश कॉन्ट्रैक्टर, महेश आगरिया और बड़ी संख्या में समाज के महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे थे। टूंक समय में आप आटली संख्या अपने भेगा थे मोटी बात है अपना माटे घना लोग नहीं आई सकता कारण के वर्किंग डे से जो अँ उभा से जे आ रेली ना माध्यम थी आज जे अपने कलेक्टर श्री पास पहुंची पैदल यात्रा करी अपने जे आवेदन पत्र आपवाना छे ए साना संदर्भ में छे तो आज आप जोई रिया छे के 21वीं सदी अंदर ही पण जयरे आ 21वीं सदी चाली रही है आजना दिवसे पण जयरे छूआछूत जे आ देश की अंदर ही लोगों में मनगढ़त अने जे भ्रम चाली रह्यो छे अने दूर करवानो एक आपणा तरफ थी दमन तरफ थी एक अपने एक मुहिम छे तेमज जे राजस्थान रे जालोर जिला अंदर ही जे छोकरा ने जे प्रिंसिपल द्वारा एक मटका में फक्त एक पानी पीवाना कारण जेमने मार मारी ए छोकरा की हालत गंभीर थी है त्यारबाद एने हॉस्पिटलों थी बीजी हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्या। सिलवासा के कलाबेन डेलकर ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर जमुनी बेन वर्ठा का किया सम्मान, आशीर्वाद प्राप्त कर 11,000 का दिया चेक। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सांसद कलाबेन डेलकर ने दादरा नगर हवेली भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सिर्फ एक शख्सियत जमुनीबेन वर्ठा के घर पर पहुंचकर उनका सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। जमुनीबेन ने 11 अगस्त 1961 के रोज दादरा नगर हवेली भारत विलय पत्र पर दादरा नगर हवेली की महिलाओं के बदले में हस्ताक्षर किए थे। दादरा नगर हवेली के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह ने एक पखवाड़ा के पहले ही जमुनीबेन वर्ठा को ढूंढकर लोगों की नजर के सामने लाया गया था, जिसके बाद प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने 15 अगस्त को जमुनीबेन वर्ठा के घर पर जाकर उनका सम्मान किया था। तो सोमवार को सांसद कलाबेन डेलकर ने जमुनीबेन के घर पर जाकर सम्मान कर 11,000 का चेक दिया था। कलाबेन डेलकर ने जमुनीबेन को हर महीने 5,000 की सहाय देने का वचन भी दिया था। 95 साल के जमुनीबेन अपनी लड़की और अपने परिवार के साथ रहते हैं। जमुनीबेन के परिवारजनों को सांसद कलाबेन ने पक्के घर और सरकारी नौकरी देने की विनती भी की थी। મારે આજે આટલી ખુશી છે કે એમપી અહીંયા મળવા આવ્યો છે એમ, ને એ લોકોએ આટલું એ કર્યું છે, મહત્વની વાત છે એમ, આજ સુધી કોઈ અહીંયા આવ્યું જ નહીં એમ, આજે એ લોકો આવ્યા ને અમારા દાદીને સન્માન કર્યું, તમને બહુ ખુશી થઈ છે, આટલી બધી ખુશી થઈ છે કે અમને બહુ આનંદની વાત છે આ વસ્તુ, એટલે હમણાં અમારો કદાચ પરિવાર આગળ ધપી શકશે, કેમ કે આટલા પરિવારમાં અમારો કોઈ દિવસ આટલા ભણેલા છે એમ, એમએ બેડ કરીને પડી રહેલા છે, કોઈ જ ને કોઈ દિવસ નોકરી આપી નહીં એ લોકોએ કલેક્ટરે, ને એ કલેક્ટર બી અહીંયા આવ્યા છે એમ, અમને કોઈ દિવસ એ લોકોએ આશ્વાસન નહીં આપ્યું છે, પણ આજે અભિનય અને કલાબેન આવ્યા એટલે એ લોકોએ અમને આશ્વાસન આપીને ગયા છે, તો અમારું આગળ થવા જોઈએ એમ, આગળનું વૃદ્ધા પેન્શન એનો 2-6 મહિના સુધી બંધ કરેલું એ લોકોએ એમ, આજે અમને છે ને આટલી ખુશીને આનંદ છે, આજે બધા જ અહીંયા આવ્યા એમ, નગર રહેલા કોઈ સરપંચ કે દુધનીના ખાનવેલના બધા આવ્યા એમ, એ લોકોએ કંઈ કર્યું નહીં એમ, આજે કલાબેન આવ્યું એટલે એ લોકોએ અમને 5,000ની કર્યું છે એમ, આશ્વાસન આપી ગયા છે એમ, આપે નહીં આપે તે અમારું કિસ્મતની વાત છે એમ, પણ એ લોકોએ અમને આશ્વાસન આપ્યું કે દર મહિને 5,000 આપવું એમ, આજે ઘણી ખુશી થઈ આપણા એક એકલા આપણા બેન જે સુખભાઈ કીધું તેમ આપણા ભારત દેશમાં પ્રદેશને મર્જ કરવાવાળા
એકલા એવા આપણા બેન જે આજે એમને એમને અમે મળવા માટે આવ્યા, બહુ ઘણી ખુશી થઈ. ગર્વની બાબત છે અમારા મહિલાઓ માટે, ખાસ કરીને કે એ સમયે આજે 70 વર્ષ પહેલાં એક મહિલા તરીકે એણે આપણા પ્રદેશનું નામ રોશન કર્યું. પ્રદેશને એક દેશમાં એક અહમ હિસ્સો, એક અભિન્ન અંગ બનાવ્યો. તો એવા બેનને મળીને અમને ખૂબ જ પ્રાઉડ થયું. એમની સાથે સાથે મારા સસરાજી સંજીભાઈ રૂપજીભાઈ ડેલકરજીને યાદ કરીને, કેમ કે એ પણ સાથે હતા, એમની સાથે ગયા હતા દિલ્હી, ને જ્યારે બંને પ્રદેશને દેશમાં મર્જ કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ પણ સાથે હતા. ફર્સ્ટ એમપી હતા, એ ફર્સ્ટ એમપી બન્યા પછી તો ઘણી ખુશી થઈ. એક પરિવારની જેમ એક આજે અમને લાગણી એમની સાથે મળીને અનુભવ કર્યો, ને એમની સાથે સાથે ઘણી બધી એમની સાથે ચર્ચા કરી, વાતો કરી. જે વીતેલા દિવસોમાં એમણે જે પણ સંઘર્ષ કર્યો, પ્રદેશ માટે જે પણ કામ કર્યું, એ અમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. એને ધ્યાનમાં રાખીને અમે જરૂર આગલા દિવસોમાં આપણા પ્રદેશને આગળ વધારવાનું કામ કરીશું, પ્રદેશને સાચવવાનું કામ કરીશું. હું તો એક એવા પરિવારથી છું કે જે આ પ્રદેશ માટે આઝાદીથી લઈને હમણાં સુધી પ્રદેશને સાચવ્યો છે, એ મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની બાબત છે. ફર્સ્ટ એમપી સંજીભાઈ રૂપજીભાઈ હતા, પછી તે મોહનભાઈ ડેલકરજી, ચંદનબેન પણ હતા, આપણા નરેશભાઈ પણ હતા, એ પ્રદેશ માટે ખૂબ જ જીવ્યા ત્યાં સુધી કામ કર્યું. હવે પછીથી હું ને અભિનવ, મારી દીકરી દિવિતા પણ સાથે આવી છે. આ પ્રદેશને સાચવવાની જવાબદારી બધાની છે, અમારી તો ખાસ કરીને રહેશે. હું એમપી છું અહીંની, તો સ્પેશિયલી આપણા બેનને, જમનીબેનને થેન્ક્સ કહીશ કે આજે પણ એમની હેલ્થ સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે, ને એણે પ્રદેશ માટે જે કામ કર્યું છે, પ્રદેશ માટે જે રીતના ભૂમિકા એમની હતી, એ લોકો સુધી પહોંચાડીને હરેક લોક, હરેક પ્રજા આપણી જાગૃત રહી, ને પ્રદેશના માટે ખરેખર બધાને લાગણી થાય કે પ્રદેશને કેવી રીતના આપણે સાચવવું છે. પહેલે તો મેં, મેરે લિયે સબસે ખુશી કી બાત યે હૈ, કલ જબ હમને ચર્ચા કી, જબ મેં મેરી મધર કે સાથ, મેરી માતાજી કે સાથ હમને ચર્ચા કી કે આજ કા પ્રોગ્રામ હમ કૈસે કરેંગે, ઉન્હોને સબસે પહેલે યે કહા કે હમારી સ્વતંત્ર સેનાની, હમારી વડીલ, હા તો કહી શકતા હું કે હમારી પરિવાર જૈસે, હમને નિર્ણય લિયા કે મેરી મધરને નિર્ણય લિયા કે પહેલે આશીર્વાદ લેંગે તો હમ ઉનકા આશીર્વાદ લેંગે, જો હમારે સ્વતંત્ર સેનાની હૈ ઓર હમારે એકદમ પરિવાર જૈસે જમલીબેન અવર થા. બહુ હી ખુશી હુઈ, મેને ખુદ સોચા નહીં થા કે ઇસ તરહ સે આજ હમ આયેંગે, ઇતના ઉનકો યાદ રહેગા, હમારા પૂરા પરિવાર, મેરે મેરે દાદાજી, મેરે હમારે પ્રદેશ કે સબસે પ્રથમ પહેલે સાંસદ જો નિમિત્ત હુએ થે, ઉનકો ભી યાદ કિયા, ઉનકો ભાઈ કે તરીકે સે ઉનકો સાથ મેં રહે થે, ઉન્હોને જો હમારે પ્રદેશ કે લિયે જો મહેનત કી થી, મેરે દાદાજી કે સાથ જો પૂરે પ્રદેશ મેં ઘૂમે થે, દિલ્હી તક ગયે થે ઓર દેશ કે સાથ જુડને મેં ઉન્હોને જો મહેનત કી થી, આજ બહુ હી ખુશી હોતી હૈ, ગર્વ કી બાત હોતી હૈ હમારે લિયે કે આજ ઉનસે મુલાકાત કી, ઉનકા આશીર્વાદ લિયા ઓર એસા લગા કે હમને તો કભી હમારે દાદાજી કો દેખા નહીં હૈ, લેકિન આજ એક એક ઇમોશન જગ ગયા હમારે ઇસમે કે એક હમારે વડીલ, હમારે પરિવાર જૈસે આજ એક પ્રથમ હમારે ઘર મેં લગા નહીં કે હમારે ઘર સે દૂર હૈ, લેકિન હમારે એકદમ પરિવાર જૈસે હમે આજ વો એક ઇમોશન આ ગયા ઓર બહુ હી ખુશી કી બાત હૈ. ઓર ઇસી તરહ સે હમને ઉનકો ભી આશ્વાસન દિયા કે હમ પરિવાર કી તરહ રહેંગે, ઉનકે સાથ ખડે રહેંગે, કે હર પરિસ્થિતિમાં હમ ઉનકે સાથ રહેંગે, હમ ઓર હો સકે જબ ત્યોહાર હો, અચ્છે દિન હો, હમ યહાં પે આયે, ઉનસે મુલાકાત કરે, ઉનકો ભી એક બાર ઈચ્છા હૈ હમારે ઘર પે આને કે લિયે, હમ ભી કોશિશ કરેંગે ઉનકો ઘર પે લેકે જાને કે લિયે, ઓર સારે પુરાને દિનો કી યાદ કી, ચર્ચા કી, આંખો મેં આંસુ આ ગયે, ઇમોશન્સ આ ગયે, ઓર જિસ તરહ સે ઉન્હોને જો ખુશી જાહેર કી હૈ, ઉસસે જ્યાદા હમે ખુશી અનુભવ હુઈ હૈ, તો વહી મેં કહેના ચાહતા હું કે હમારે જો આજ કહે જાય કે એક મહિલા જો પ્રથમ હમારે આજ તક જો હમારે બીચમાં હૈ, મેં પ્રદેશવાસીઓ કો યહી કહેના ચાહતા હું, ઉનકી રિસ્પેક્ટ, ઉનકા માન સમ્માન હમ હર એક પ્રદેશવાસીઓ કે અંદર રહે, ઉનકે દિલ મેં રહે, ઓર ઇસકો ભી હમ આગે લેકે જાય, ઉનકા ઓર ઉનકે પરિવાર કો ભી હમ ધન્યવાદ કરના ચાહતે હૈ કે જિસ તરીકે સે ઉન્હોને અપના કર્તવ્ય નિભાયા, ઉસી તરહ સે હમ ભી અપના કર્તવ્ય નિભાએ અપને પ્રદેશ કી તરફ. પ્રશાસન કા અપના ખુદ કામ કરેંગે, જબ યે તો અભી બાત આ ગઈ હમારે પરિવાર કી બાત આ ગઈ હૈ, જિસ તરહ સે મેં આપકો કહા અભી જમનીબેન વઠા હમારી પરિવાર હૈ, મેરી દાદી હૈ, આપ સમજ લીજીએ, જિન્હોને
मेरे दादाजी को भाई कहा है तो वो हमारे लिए हमारे परिवार हो गई, मेरे दादी जैसी हो गई। प्रशासन सरकार जो भी अपना काम करेंगे लेकिन हमारा परिवार और हमारा संगठन उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। उनको कभी भी जो भी ज़रूरत रहेगी हम हमारा फ़र्ज निभाएंगे और उनको जब भी हमारी याद रहेगी, रात को भी क्यों ना हो दिन में क्यों ना हो, हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम हमारी फर्ज निभाएंगे। धन्यवाद। लायंस क्लब ऑफ पार्टी पल द्वारा धर्मपुर के अति पिछड़े क्षेत्र में मेडिकल कैंप का किया गया था आयोजन। गांव के लोगों और छात्र मिलाकर कुल 100 से ज्यादा लोगों का किया गया था मेडिकल चेकअप। धर्मपुर से अंदाजित 40 किलोमीटर की दूरी पर वन क्षेत्र में आए हुए पीपलपाड़ा गांव में आए मित्र निकेतन संस्थान में 92 जितने बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके स्वास्थ्य की सेवा मिल सके इसी शुभ आशय के साथ लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर केविन मोदी, डॉक्टर अमिता पटेल, डॉक्टर हेमंत पटेल ने सेवाएं प्रदान की थी। सभी बच्चों का चेकअप करके आवश्यक दवाइयां, सैनिटरी पैड और नाश्ता निःशुल्क करवाया गया था। संस्था के पास में रहते कई ग्रामवासियों ने भी इस कैंप का लाभ लिया था। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल के प्रेसिडेंट लायन मोहम्मद नलवाला, सेक्रेटरी लायन प्रेरणा पटेल, ट्रेजरर भरत भाई देसाई, लायन समीर देसाई, इसके अलावा बड़वंत पटेल, शांतिलाल पटेल, प्रीतेश भरूचा भी उपस्थित रहे थे। लायंस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रेमल सिंह चौहान और जोन चेयरमैन पिंकेश पटेल भी उपस्थित रहे थे। मेडिकल कैंप में नवरचित लायंस क्लब ऑफ धर्मपुर स्टेट के प्रेसिडेंट हिमांशु मिस्त्री, सेक्रेटरी प्रियंक पटेल और हेमंत पटेल उपस्थित रहे थे। आज लायंस क्लब ऑफ पार्डीपल ये मित्र निकेतन गर्ल्स हॉस्टेल पीपलपाड़ा में एक मेडिकल कैम्प करू आयोजन करूँ जेना अंदर हमें एक MS डॉक्टर गायनेक डॉक्टर अमिता पटेल अने डेंटिस्ट डॉक्टर केविन मोदी अने लई बीजा एक पेथोलॉजिस्ट हेमंत भाई डॉक्टर हेमंत भाई एमने लईने मैं यहाँ आया छे अने ते बधा बच्चाओनु इंस्पेक्शन हेल्थ चेकअप डिटेलिंग बधु कर्युं छे अने एमने जे जरूरत दवा छे प्रिस्क्रिप्शन्स छे ते बधु आप्युं छे अने ई लोकोए काळजी लीधी छे के ફ્યુચરમાં ભી એ લોકોને જે કંઈ બી જરૂર પડશે તે લોકો રેગ્યુલરલી અહીંયા આવી અને એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરતું રહેશે। જે આ મિત્ર નિકેતન ગર્લ્સ હોસ્ટેલ મારફતમાં સિરિયન ચર્ચ દ્વારા ચાલે છે, જ્યાં અનાથ અર્ધનાથ અને ગરીબ બાળકીઓ છે, એ પહેલાંથી તો છેલ્લે ડિગ્રી સુધીની દીકરીઓ છે। આજે અમે ખુશ છીએ, ખરેખર અમારા માટે જે આ કેમ્પ છે એક ખૂબ મોટો કેમ્પ છે। એમાં જે પણ લીડરો લાયન્સ ક્લબના એ લોકોનો આભાર માનું છું, લાયન્સ ક્લબની આખી ટીમનો આભાર માનું છું, વિશેષ અમારા જે મેન ડાયરેક્ટર ફાધર છે, અમારા સ્ટાફો છે, અને ફરીથી હું લાયન્સ ક્લબનો આભાર માનું છું અને એક આશા રાખું છું આ એક કેમ્પ અમારા ગામના માટે પણ થાય અને ગામના લોકોને લાભ મળે એ જ અમારી મોટી આશા છે। થેન્ક યુ સર। ડૉક્ટર અમિતા, MS ઓબ્સ્ટેટ્રિક એન્ડ ગાયનેક, વાપીથી આવું છું। આજના કેમ્પમાં દરેક પ્રકારના એજની છોકરીઓને એક્ઝામિન કરીને એમના કમ્પ્લેન્સ પૂછ્યા, સ્પેસિફિકલી મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન સમજાવ્યું એમને, અને બીજી વસ્તુ મેન્સ્ટ્રુઅલ રિલેટેડ જે પ્રોબ્લેમ હતા એમની જે ક્વેરીઝ હતી એ બધી સોલ્વ થઈ છે। ઇન્ટિરિયરની અંદર મેન્સિસ એ એક બિગ ક્વેશ્ચન છે, એન્ડ અવેરનેસ એવા છોકરીઓમાં લાવવું એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે। બીજી વસ્તુ એ છે કે આ એજની છોકરીઓ મેન્સ્ટ્રુઅલ પ્રોબ્લેમ તો ફેસ કરે છે, બટ બીજી વસ્તુ મેન્સિસ સિવાય બીકોઝ ગ્રોઈંગ એજ છે એટલે કેન્સરની પ્રોબેબિલિટી બી આ એજની અંદરથી ચાલુ થતી હોય છે, એટલે હું માનું છું કે નેક્સ્ટ કેમ્પ सिलवासा में आसाम समाज के नाम कीर्तन के कार्यक्रम में दमन दीव प्रशासन के दानिक अधिकारी प्रांजल हजारिका पहुंचे थे। सपरिवार लोकहित कार्यों करने का दिया गया सूचन।
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आसाम समाज के नाम कीर्तन उत्सव में वापी वलसाड पार्डी उमरगांव दमण सिलवासा के आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। सिलवासा के पार्क सिटी एसी हॉल में आयोजित नाम कीर्तन में दमण दीव के दैनिक अधिकारी प्रांजल हजारिका भी सपरिवार सम्मिलित हुए थे। प्रांजल हजारिका ने आसाम समाज के लोगों की एकजुटता देखकर प्रसन्नता व्यक्त की थी। हजारिका ने आसाम के समाज के प्रशासन के साथ मिलकर समाज और लोक हितैषी कार्यों करने की सूचना दी थी। नाम कीर्तन में असम समाज के लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी करवाया गया था। कोरोना काल की महामारी के 2 सालों के बाद सिलवासा में आयोजित नाम कीर्तन में असम समाज के लोगों में काफी खुशी दिखाई दी थी। नाम कीर्तन के आयोजक संगठन गोगा के गुजरात आसमिया पीपल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी रूप ज्योति चौरसिया के बताए अनुसार आसाम में भाद्रपद मास पवित्र माना जाता है। भादो में नाम घरों में नाम कीर्तन में श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करवाया जाता है। यहाँ पर वलसाड जिला और संघ प्रदेशों में नाम घर नहीं होने की वजह से पार्क सिटी हॉल में नाम कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में गोगा के गुजरात असमिया पीपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चंदन बरुआ, सेक्रेटरी रूप ज्योति चौरसिया, कल्चरल सेक्रेटरी रश्मि बरुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिलननाथ, अपनी कमेटी मेंबर और सभी सभ्यगण उपस्थित रहे थे और कार्यक्रम को सफल बनाया था। ये बेसिकली एक जो यहाँ एक गैदरिंग हुई है आज, बेसिकली असमी सोसाइटी के लोग के जो लोग इस एरिया में रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये कीर्तन आयोजित किया है। उसमें ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसमें शामिल होके हम भी खुश हैं। मैं और मेरे परिवार आए हैं तो हम भी काफ़ी खुश है इसमें। यही कहना चाहूँगा, मैं एक्चुअली संगठन से जुड़ा नहीं हूँ, बट जो ये काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे, तो उसके लिए मेरी आगे उन लोगों के अच्छी शुभकामनाएं हैं। आज का ये जो आयोजन किया गया है गगना गुजरात की तरफ से, गगना गुजरात दरअसल 2017 से ही यहाँ पे स्थापित हुआ था। गगना गुजरात असमी पीपल एसोसिएशन है, दमन दादरा नगर हवेली से लगभग उमरगांव वापी वलसाड इस एरिया के जितने भी असम के लोग हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे शामिल है। और भादो का महीना असम के लिए पवित्र महीना है। इस महीने में पूरे महीने असम के नाम घरों में कृष्ण भगवान के भगवत गीता के पाठ किए जाते हैं और उसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारे कल्चर को हम आगे लेके जा पाएं और एक दूसरे से सबकी मुलाकातें हो, क्योंकि हम घर घर जाके तो ये महीना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमारा यही सिद्धांत था कि हम पूरे इकट्ठे यहाँ हुए और आपस में भाईचारा के साथ और भगवत गीता पाठ हो। इसलिए और आपके मीडिया को हम अपने तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहते हैं कि 2017 में इसका स्थापना हुआ था, उसके बाद उमरगांव से शुरुआत होके ये दादरा नगर हवेली सिलवासा से लेके यहाँ तक पहुँचा और बीच में कोविड के वजह से 2 साल तक हम कुछ काम नहीं कर पाए थे और ये कोविड के बाद ये पहला अनुष्ठान हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी प्रशासन के साथ मिलके तो अमित शाह जब यहाँ पे SSR कॉलेज में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन में आए थे, तब उस अनुष्ठान में हमारे भी कम्युनिटी के पूरे लोग शामिल थे। और लगभग आगे हमारा यही है कि जब कोविड के बाद ये पहला अनुष्ठान हम अब कर रहे हैं, आगे हमारा यही रहेगा कि सही तरीके के सब सामाजिक अनुष्ठानों में हम पार्टिसिपेट करें प्लस समाज के लिए कुछ कर सके। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम हमारे समाज के लिए ही करें, आसपास के किसी भी तरह के संगठनों के साथ हम जुड़ने के लिए। हम लोग यहाँ पे पहली बार ये अनुष्ठानिक सम्मेलन भारतीय संगीत सम्मेलन गठन का संगठन किया हुआ है। इसमें हम लोग सभी मिल के असमीज भाई बहन सभी लोग मिल के एक अपना एक पारंपरिक मौका मिला है, मित्रता के लिए हम लोगों ने काम किया है। दूसरा, अभी हम लोग प्रशासन का साथ मिल के ये बहुत सारे काम करना चाहते हैं। हमारा पूरा समाज तैयार है। असम गगना ग्रुप सिलवासा
दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव उमरगांव सभी मिलके हम लोग एक बड़ा संगठन हम लोग का तैयार है। हमारे साथ आज करीब करीब लगभग 2500 से 3000 करीब लोग हैं। तो हम प्रशासन के साथ भी हम चलते हैं, हमेशा हर एक प्रशासनिक काम के लिए भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और जो भी हमारा हमारे साथ हम लोगों का जो हम लोग जो कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं या तो कहीं अनाथ लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग भी संस्था हम लोग तैयार है सभी काम को मदद करने के लिए। तो गगना गुजरात तरफ से मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये संगठन बहुत अच्छा संगठन है और इससे हम लोगों का बहुत बड़ा एक अनुष्ठानिक काम होने वाला है। तो आप लोगों का सहयोग सभी को रहेगा तो हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पवित्र श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को पाड़ी तालाब के पास आए हुए एकलिंग जी महादेव जी मंदिर में शिव जी को सजाया गया था। अनोखे तरीके से भक्तों की उमड़ पड़ी थी भीड़। पवित्र श्रावण महीने को लेकर भक्तजनों द्वारा शिव जी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो श्रावण के आखिरी सोमवार को सभी शिवालय भक्तजनों से उमड़ पड़े थे। तो पाड़ी तहसील के तालाब के किनारे आए हुए एकलिंग जी महादेव जी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ शिव जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। भक्तजनों द्वारा हर साल शिव जी को श्रावण महीने में अनोखे तरीके से सजाया जाता हो, इस साल भी सोमवार को इस बार आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत दान का इस्तेमाल करके बिस्किट एवं कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करके शिव जी को बड़े अनोखे तरीके से सजाया गया था। शिव जी के इस मनमोहक अनोखे रूप को निहार कर सभी भक्तजन मंत्रमुग्ध हो गए थे और सभी ने शिव जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त की थी। આપણું મંદિર દમણી ચાપા એકલિંગી મહાદેવનું મંદિર છે, પટેલ સ્ટ્રીટમાં આવેલું છે અને એ અમે લગભગ 11 વર્ષથી અવનવો શણગાર કરીએ છીએ। એમ મારી સાથે ભાઈઓ બહેનો સેવા કરવામાં આવે છે। આ વખતે અમે વેફર્સ, બિસ્કીટ, ચોકલેટ, કઠોર આવું બધું આવી રીતના અમે શણગાર કર્યો છે। આ વખતે દર વખતે બધા જ ઉત્સાહી ભક્તજનો અમને સેવા આપે છે અને દર્શન કરવા પણ સાંજે આરતીના સમયે બધા આવે છે। અમારી સાથે જીતુભાઈ, હેમંતભાઈ, ચેતનભાઈ મહારાજ, ચકુબેન, દક્ષાબેન, નૈનાબેન બધા જોડે અમે શણગાર કર્યો છે। આ વખતે અમે આઝાદીના 75 વર્ષ અમૃત મહોત્સવને અનુલક્ષીને આ વખતે અમે પણ તિરંગાનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં અમે કઠોળનો ઉપયોગ કર્યો છે, સાબુદાણા છે, મસૂરની દાળ છે, મગ છે અને વચ્ચે અશોક ચક્રના રૂપે અમે શિવલિંગને એડજસ્ટ કર્યું છે અને એ રીતે અમારું આ વખતેનું 75મું અમૃત મહોત્સવનું બી અંદર આયોજન થઈ ગયું છે અને અમને બેહદ ખુશી થઈ છે એના માટે કે જે આજે અમે પણ વચ્ચે શિવલિંગ મંદિરમાં ત્રિરંગાને અંદર દર્શાવી શક્યા। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के विधायक भरतभाई पटेल ने वलसाड़ पुलिस थाने के PI को कहा, मैं बोलूं तो अभी होगा हुल्लड़। तिथल के आहिर ग्रुप के गणपति की मूर्ति ले जाते वक्त नाचते वक्त पुलिस कर्मी को धक्का लगने के बाद विवाद हुआ था खड़ा। भरूच और बड़ौदा में मिली बड़ी मात्रा में ड्रग्स को लेकर वलसाड़ जिला पुलिस हुई सतर्क। वलसाड़, पाडी, वापी, सरीगांव और उमरगांव की बंद फैक्ट्रियों में शुरू की गई जांच। पार्टी के KGN बेकरी में काम करने वाला कामदार चोरी की बाइक के साथ चिकली में हुआ गिरफ्तार। कुछ दिन पहले पार्टी अस्पताल में दाखिल एक परिजन को मिलने आई शख्स की बाइक हुई थी चोरी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।